चुनाव प्रचार में भी शामिल रहेंगे, क्योंकि आप लोग स्टार प्रचारक में भी है, क्या कैसा लग रहा है डुमरी का चुनाव? अगर हम बात करें डुमरी का चुनाव, एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष का चुनाव है जिस ऐतिहासिक पुरुष को नाम कहने से हमारे शरीर में रोएं खड़े हो जाते हैं। जब कोई सैनिक सेना में भर्ती होता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो माँ भारती के लिए अंतिम सांस तक लड़े, और वो लड़ता भी है, शहादत भी पाता है, माँ भारती की रक्षा भी करता है। वैसे ही स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिस जनप्रतिनिधि का लंग्स काम नहीं कर रहा हो और जिनको गहन चिकित्सा कक्ष में रहने की वरीय चिकित्सकों की हिदायत हो और जो जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हों लेकिन इसकी परवाह किए बिना बिना चिंता किए हुए हर पल अपनी जनता के लिए समर्पित रहने वाले व्यक्ति को मैं ऐसा ही पुरुषार्थ वाला व्यक्ति कहूँगा जैसे हमारे सैनिक पुरुषार्थ दिखाते हैं, तो वो जनप्रतिनिधि होकर पुरुषार्थ दिखाया। और हमको इस बात का गर्व है कि अंतिम सांस तक उस आदमी ने अपने जनता का लिए जान दिया है। लेकिन जो तथा कथित लोग हैं जो ओबीसी की बात करते हैं, जो तथा कथित लोग हैं जो कुर्मी की बात करते हैं विशेष करके, उन लोगों से पूछिए कि क्या जगन्नाथ महतो जैसा व्यक्ति जिसने मौत को गले लगाया जानकर, क्योंकि उसको जनता प्यारी थी, उसने अपनी चिंता नहीं किया और मौत को गले लगा लिया जनता की रक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए। अब वो लोग जो हैं सुदेश महतो जैसे लोग जिनके नेतृत्व में 27% आरक्षण को भी तोड़ा गया, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह जो है देख रहे थे, बाबूलाल जी ओबीसी का आरक्षण तोड़ रहे थे और सुदेश जी उसी सरकार के मजबूत पार्टनर थे। यदि सुदेश जी में थोड़ी सी भी नैतिकता होती या थोड़ा सा भी पिछड़ा और ओबीसी के प्रति सोच होती ना, और मैं यदि उनके जगह होता तो मैं निर्विरोध जो है ऐसे महान पुरुष के लिए निर्विरोध चुनाव में उनको जीतने देता, क्योंकि उनका अंतिम सांस जनता के लिए था, इसलिए वहां चुनाव की बात नहीं थी। तो बोल रहे हैं राजनीति में सहानुभूति नहीं चली। हाँ तो नहीं चलती तो सही बात है, तो फिर वो किस सहानुभूति की लहर के पीछे दौड़ रहे थे, किस सहानुभूति की लहर के लिए वो जान प्राण दे रहे थे, क्यों वो आरक्षण और ओबीसी की बात जो है करके लोगों में को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? ये भी तो सहानुभूति है, ये भी तो लोगों के प्रति जो है समर्पण की भावना है। आज से भाजपा के कई नेता भी वहां पे काम कर रहे हैं डुमरी में। अरे तो भाई उसके लिए तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन मैंने अपनी भावना व्यक्त की कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं मेरे सीना को यदि चीरिएगा तो यहाँ से आरक्षण दिखेगा, जो लोग ये कहते हैं कि हम जो हैं कुर्मी के लिए कुछ भी करेंगे, तो बताइए हमारे तो मुख्यमंत्री ने जब 500 बेड के अस्पताल की बात हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय किया कि नहीं जगन्नाथ महतो जी के नाम पर हम जो है 500 बेड का अस्पताल जो है बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि हम जो है जगन्नाथ बाबू के नाम पर जो है हम जो है काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे। तो मैं तो खुद पिछड़े वर्ग का आदमी हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ, और जगन्नाथ महतो एक पिछड़े वर्ग का, दलित पिछड़ा कमज़ोर वर्ग की एक आवाज़ थे, एक ऐसा बुलंद आवाज़ जिस बुलंद आवाज़ को मैंने हमेशा अपने साथ मंत्री परिषद पर मेरे बगल के चेयर में बैठते थे हमेशा उनको अंतिम सांस तक लड़ते हुए देखा है। मैं कह नहीं सकता हूँ मेरी भावनाएं इतनी उनके प्रति समर्पित हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है अपनी आँख से, अपने साथ जिया है उनको। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात को कि जो लोग पिछड़े की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि 27% आरक्षण की बात हो,
अरे उनको इतना तो होना चाहिए था कि नहीं, हम इस सीट पर कम से कम हम जगन्नाथ बाबू के लिए हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा भी राजनीति का क्या कुर्सी पाना है कि जिसमें आपकी विचारधारा नहीं है, जिसमें आपकी भावना नहीं है, जिसमें आपके जीवन का कोई सिद्धांत और विचार ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर विकास नहीं हुआ क्योंकि लंबी दूरी तय करके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, विकास तो छोड़ दिया गया, दूर दराज के इलाकों में काफी दिक्कत होती है। देखिए, या तो आपने विकास को अपनी नज़रों से फिर देखा नहीं है और विकास को या तो आपने समझा नहीं है। मेरा दावा है कि जितना जगन्नाथ महतो जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है, शायद उतना विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में कम हुआ होगा। चूँकि कुछ यार हमारे झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जो जंगल जल जंगल जमीन से आच्छादित हैं और कोई विधानसभा की डेंसिटी घनत्व तो ज़्यादा है, किसी विधानसभा का घनत्व तो कम है लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो भौगोलिक दिशा दशा को भी आपको समझना होगा। आप यदि किसी एक गांव में गए हैं और संपूर्ण जगह नहीं जा पा रहे हैं तो आप उससे एक गांव से सभी चीज़ों को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। चलिए।